करते हैं। पिता तो जेल खाने के अंदर कैद है और पुत्र संपत्ति में फर्जीवाड़ा कर रहा था, अब वीडियो में भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जो आपने वीडियो फुटेज जारी किया है वह 24 फरवरी 2018 के मोकामा प्रखंड के मराची में श्रीबाबू के जयंती समारोह का है। अनर्गल प्रवचन मत दीजिए और जिसका फोटो आप दिखा रहे हैं उसको 4 अप्रैल 2018 को युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से बर्खास्त कर दिया गया। फर्जीवाड़ा करके अगर राजनीति में अपनी दुकान चलाना चाहते हैं तो आपके जैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति, दागी और जो संपत्ति संग्रहण को ही राजनीति का एजेंडा बनाता हो और दोषारोपण करता हो, तो जैसे पिता के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दायर किया था, सचेत हो जाइए। गड़बड़ करिएगा मुकदमा भी झेलना पड़ेगा आपको। इसलिए अनर्गल प्रवचन करके बिहार की जनता की मानहानि कम से कम न करिए और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की आत्मा पर हमला करने का प्रयास मत करिए।